भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला 25 अगस्त से खेला जाना है। सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच सोमवार को लॉर्ड्स में खत्म हुआ, जिसे टीम इंडिया ने 151 रन से अपने नाम किया। इंग्लैंड को इस हार की टीस कई सालों तक याद रहेगी, क्योंकि भारत ने मैच के आखिरी दिन जिस तरह से वापसी की उसके बारे में शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मैच के आखिरी दिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की 89 रनों की अटूट साझेदारी देखने को मिली। इसके बाद 60 ओवर भी दूसरी पारी में इंग्लैंड नहीं खेल पाया और इसको लेकर इंग्लैंड के मशहूर ब्रॉडकास्टर ने हार को लेकर मेजबान टीम की जमकर आलोचना करी। यानी कि इंग्लैंड के ही दिग्गज खिलाड़ी इंग्लैंड को जमकर फटकार लगा रहे हैं और फटकार ही नहीं, भारत के सामने उनकी अपनी ही टीम को बेवकूफों जैसी टीम बता रहे हैं। भारत से मिली हार के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम में एक बहुत ही बड़ा बवाल पैदा हो गया और वो दिग्गज खिलाड़ी जो भारत के हार की भविष्यवाणी कर रहे थे कहां पर मुंह छुपाए बैठे हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही में इंग्लैंड के कोच सिल्वरवुड को भी एक इंग्लैंड दिग्गज ने जमकर फटकार लगाई है और भारत के सामने बेवकूफों की टीम बता दिया है इंग्लैंड क्रिकेट टीम को। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आखिर भारत से मिली हार के बाद इंग्लैंड में क्यों बवाल पैदा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ही है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुंचे। खैर, ये बताने से पहले कि किस तरह से कोच सिल्वरवुड को भी जमकर फटकार लगाई है और बेवकूफों की टीम भी क्या डाला है, लेकिन आइए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी ही टीम की जमकर आलोचना करी है। इंग्लैंड के मशहूर ब्रॉडकास्टर डेविड लॉयड ने एसआर को लेकर मेजबान टीम की जमकर आलोचना करी। उन्होंने कहा, मैच के दौरान इंग्लैंड के खिलाड़ी टीम इंडिया के खिलाड़ियों से डरे हुए नजर आए और कप्तान विराट कोहली ने पूरी टीम को खूब उकसाया। लॉयड ने कहा कि लॉर्ड टेस्ट में इंग्लैंड की टीम भारत से डरी नजर आई और विराट कोहली रूट एंड कंपनी को उकसाते हुए नजर आए। मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनिसन ने जसप्रीत बुमराह के साथ मैदान पर हुए बुरे व्यवहार को लेकर अपनी ही टीम इंग्लैंड की जमकर आलोचना करी है और साथ ही उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का दांव उल्टा पड़ गया। की टीम के व्यवहार पर मोंटी पनिसन ने कहा, इंग्लैंड ने सोचा था कि वे भारतीय टीम को धमकाएंगे तो चलो नंबर 11 के खिलाड़ी को धमकाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि विराट कोहली किस तरह के चरित्र हैं। वह सब कुछ देख रहे थे, फिर भारत ने कड़ी वापसी की। एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी माफ नहीं करता है, वह इस तरह से अपनी टीम का समर्थन करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने आगे कहा, इंग्लैंड ने शुरुआत की लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा और सारा श्रेय विराट को जाता है। इंग्लैंड भारतीय टीम से डर गया। वे 5वें दिन उन्होंने ऋषभ पंत को आउट किया तो उन्होंने सोचा होगा कि वे शमी और बुमराह को सस्ते में आउट कर देंगे, लेकिन इंग्लैंड के लिए सब कुछ उल्टा हो गया। सर यही नहीं रुके, उन्होंने इस पूरे मामले का श्रेय कोच सिल्वरवुड को दिया। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि वह सब कुछ इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड का किया धरा है। यह उनका विचार था कि आइए भारत के नंबर 10 और 11 के बल्लेबाज को परेशान करें। यह सब इंग्लैंड के लिए घातक साबित हुआ। बुमराह वर्तमान में 2 टेस्ट में 12 विकेट लेकर श्रृंखला के लिए अब तक सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में सबसे आगे हैं। आप क्या सोचते हैं इंग्लैंड में हो रहे इस तरह के बवाल के बारे में और किस तरह से भारत ने इंग्लैंड की पुरखच्चे उड़ाए हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस टॉपिक के बारे में जरूर बताइएगा। खैर, इंग्लैंड अपनी ही सरजमी पर हारने के बाद अब उनके ही लोग उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में राय बताइएगा।